नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। पिक्चर कॉमेडी बेस लेकर के एक रोमांटिक स्टोरी है, इसलिए ये पब्लिक को गुदगुदाएगी भी, रुलाएगी भी, हंसाएगी भी और मारपीट भी करेगी। इस फिल्म की जो शूटिंग है कहाँ करेंगे और जो स्टार कास्ट है उनका चयन किस तरह से किया गया? जी, इस पिक्चर की जो शूटिंग होगी वो अपने जनपद संत कबीर नगर में मोस्टली होगी, गोरखपुर में होगी, कुछ मुंबई में भी होगी और भी हमारे जो साथ के लोग हैं वो और डिसाइड करेंगे कि और कहाँ कहाँ इसके लिए उपयोगी हो सकता है शूटिंग करना, वो लोग भी डिसाइड करेंगे। मतलब मोस्टली इन जगहों पर होगी ही होगी। तो फिल्म के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सर? एक्चुअली इस टेंशन भरे माहौल में हम लोगों को खुशियां बांटना चाहते हैं, इस पिक्चर को एक साफ सुथरी पिक्चर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्टर हैं वो हर घरों में एंट्री कर रहे हैं अपनी, उनकी एक खूबसूरती और उनकी एक जो कलाकारी है वो हर घर में हर परिवार में जुड़ रही है और इनकी एक अपने घर के लड़के की तरह छवि बनी हुई है, तो उसको सोच रहे हैं हम लोग और स्ट्रांग करने के लिए कि ताकि ये घर में लोग आवें, अगर ये पिक्चर देखें तो काफ़ी अच्छा महसूस करें वो। किरदार क्या है सर आपका इसमें? इसमें हमारे डायरेक्टर साहब ने मुझे बेलन बना दिया है। बेलन? जी। कितनी बार आपका दिल धड़केगा इस फिल्म में? मेरा धड़के ना धड़के, मेरे हीरो का धड़कना चाहिए। रियल लाइफ में कभी धड़का किसी के लिए? जी हाँ, बहुत बार धड़का है। तो बताइए किसके लिए धड़का? अपने माँ बाप के लिए धड़का है, अपने काम के लिए धड़का है, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे धड़का है और उसको इस पिक्चर को बनाने के लिए भी धड़का है। सर आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिल्म का मुहूर्त हुआ, दिल धक धक करे, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बढ़िया पिक्चर, मेरा नाम शिव कुमार वर्मा है। आपका किस प्रकार का सहयोग है इस फिल्म में, किस प्रकार से जुड़े हैं? मैं इस फिल्म का निर्माता हूँ, हम दोनों मिलकर निर्माता किए हैं इस फिल्म को। तो फिल्म के बारे में बताइए, कैसे स्टोरी हाथ में आई और किस तरह से, ऐसा क्या खास लगा फिल्म की कहानी में कि आपने इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए सोचा? इस पिक्चर की कहानी का मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि इस पिक्चर की कहानी के कुछ अहम किरदार हैं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा कि एक प्रोड्यूसर पिक्चर बनाता है, लेकिन एक प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने का अगर कोई काम किया है, हमारे अमित कश्यप जी हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रोड्यूसरों को प्रोड्यूस किया है, इनकी हिम्मत इनकी मेहनत आज हम लोगों को इस मुकाम पे ले आई है। विदाउट अमित जी हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी तो मैं जितनी भी प्रशंसा करूँ भाई, बस उनके लिए एक ही शब्द है, थैंक यू। उन्होंने जितना साथ दिया है इस पिक्चर को बनाने में, जितनी मेहनत हमारे डायरेक्टर साहब ने की है, उसके लिए मुझे बहुत बहुत उनको धन्यवाद कहना है और मेरे पास वर्ड नहीं है उनके लिए। सर फिल्म की शूटिंग कब से स्टार्ट होगी और कब तक रिलीज करने का प्लान है, कुछ बताइए कहाँ कहाँ शूट करने वाले? 14 जनवरी से शूट होगी खलीलाबाद में, जिला संत कबीर नगर में। स्टार कास्ट कौन कौन है? स्टार कास्ट कल्लू जी हैं, तनुश्री जी हैं और भी बहुत अनेक लोग हैं जी। बात करें फिल्म के डायरेक्टर मिराज खान जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो सर जी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं कि जिसके चाहने वाले आप जैसे लोग हों, उस पिक्चर का क्या हश्र होगा, क्या अंजाम होगा, उसको अब हमें कहने की जरूरत नहीं है। और हमारा पूरा प्रयास है कि इस मीडिया के जितने भाई लोग आए हैं सबका दिल धक धक करे तो ये पिक्चर सार्थक हो जाए। थैंक यू। और खास करके मैं प्रोड्यूसर वीएम राय जी, जिन्होंने इतना बड़ा कारोबार का भार मुझे दिया और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ कि ऐसा विश्वास हम पे जमा
और मैं खुल्लू भैया को बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे रिक्वेस्ट को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और शिव वर्मा जी और बीएम राय जी और साथ में मेरे जितने प्रोड्यूसर लोग हैं सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे इसी लायक समझा और एक गोरखपुर की धरती से उठा करके बॉम्बे की धरती पे आज इतना बड़ा कारोबार मुझे सौंपा गया। और मैं चाहूँगा पूरी ईमानदारी और लगन से इस कारोबार को मैं पूरा करूँ और फिल्म को अच्छे से अच्छा मेकिंग टेकिंग दे करके आप लोग के सामने परोसूँ। फिल्म के हीरो कल्लू जी हैं, उनके बारे में क्या कहना? फिल्म के हीरो कल्लू जी हैं और मैं इनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, उससे पहले भी साथ में फिल्म की, दुर्भाग्यवश हम साथ में काम पूरा नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कभी कभी इंसान के कुछ छोटे छोटे गलत लोगों के साथ काम करने से इफेक्ट मार्केट में गलत पड़ जाता है, लेकिन उसको सुधारा जा सकता है और सुधरेगी वो चीज़। मैं यही चाहूँगा बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगा। कल्लू जी बहुत बड़े हमारे, हम इनके बहुत बड़े फैन हैं और हमने इनसे एक वादा भी किया था भैया हम एक बार साथ में काम जरूर करेंगे फिर से। आज वो दिन है कि हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और एक बात कहना चाहूँगा सारी मीडिया से कि ज़िंदगी में अगर सच्चाई में आदमी टिका हुआ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन उसको एक ना एक दिन वो पहचान मिलती है। आज गोरखपुर से बॉम्बे की इतनी बड़ी मीडिया आप लोग के साथ, कल्लू भैया के साथ मैं बैठा हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं मेरी वो ईमानदारी और सच्चाई जो मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई। तनुश्री जी हीरोइन है, कल्लू जी तनुश्री जी की जोड़ी एक बार फिर से आपकी फिल्म के माध्यम से आएगी, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे तनु जी के बारे में? तनु जी एक बहुत अच्छी एक्टर हैं मेरी फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्टर है मेरी फिल्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बहुत अच्छा करेक्टर है इनका और मैं चाहूँगा बखूबी निभाएंगी और हमारे दर्शकों को हंसाएंगी भी। और कल्लू भैया अपने एक्टिंग के बौछार इसमें कुछ डिफरेंट करेंगे। जी सर, सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार और फिल्म दिल धड़क करे जो हमारे सुपरस्टार कल्लू जी हैं, श्याम जयंती जी हैं, तनु जी हैं और हमारे प्रोड्यूसर साहब बीएम राय जी और शिव वर्मा जी हैं और अमित कश्यप और तोताराम, तो ये सारे लोग मिल के हम लोग बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। फिल्म को सब्जेक्ट क्या होगा और कितना अलग होगी ये फिल्म? ये कॉमेडी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा हम लोग अलग किए हैं, जो भोजपुरी का चल रहा है अभी तो थोड़ा उससे हटके किए हैं और बाकी तो हमारे हीरो हैं उसमें चार चांद ये लगाएंगे। कल्लू जी के जैसे कि स्टाइलिश स्टार कहे जाते हैं, इनके स्टाइल काफ़ी पब्लिक पसंद करती है, ये वाली लोग के धड़कन है और खास करके एक्शन बहुत अच्छा होता है, इसमें इनका एक्शन कितना अलग है? एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, एक्शन भी है और ये स्टाइलिश स्टार हैं तो उसी तरीके का इनका है उसमें। ये हर सिनेमा में कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, जैसे हर डायरेक्टर अलग बनाते हैं, इनका सब्जेक्ट है कॉमेडी वाला, तो इस बार कुछ अलग कॉमेडी अंदाज में आप लोग को मैं दिखूँगा। और हीरो वो होना चाहिए जो हर करेक्टर में अपने आप को डाल ले, तो इनका जो स्टोरी है, इनका जो कंसेप्ट है, मैं उसमें अपने आप को इनके हिसाब से मैं उसमें एक्टिंग करूँगा, तो उम्मीद है कि इनकी जो मेहनत है इनके, देखिए डायरेक्टर का जो एक होता है सपना होता है कि मेरा हीरो ऐसा करे, जो भी राइटर लोग इतना मेहनत करते हैं तो हम चाहेंगे कि इनका जो भी सपना है, जो भी इनका सोच है, उस सोच पे हम खरा होते हैं। मेरा जी बात करें फिल्म के गीत संगीत विषय, श्याम यहाँ जी एक अच्छे गीतकार हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गीत संगीत को इसमें कितना अलग? एक्चुअली हीरो जब एक स्टार सिंगर हैं तो गीत संगीत तो वैसे भी धमाका रहेगा और श्याम जी का तो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं, तो श्याम जी म्यूजिक कर रहे हैं, श्याम देहाती जी और श्याम देहाती जी आज़ाद जी हैं, तो ये सारे लोग मिलके और हमारे हीरो, तो ये सारे लोग मिलके बैठ के एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना, उन्होंने आपको गॉड फादर कहा कि उनको इंडस्ट्री में आप? एक्चुअली अब उनके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, उन्होंने जो भी बोला एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही मतलब सुलझे हुए इंसान हैं, सोच समझ के जो भी करते हैं बड़ी समझदारी से सारे चीज़ करते हैं, तो बस अब ज़्यादा उनके लिए। श्याम जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेकर के? बस हम बधाई देंगे और इन्होंने अच्छा स्टोरी है फिल्म का, मेरा जी ने सुनाया तो बहुत अच्छा लगा, सुजेशन का और जो भी गाने हैं हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे, सुजेशन के हिसाब से हमारी टीम है सब लोग मिल के बनाएंगे, प्यारे लाल जी हैं, आज़ाद जी हैं, हम हैं, बाकी काम करेंगे अच्छा। कितने गाने होंगे इसमें?
टोटल 8 सॉन्ग है। अब थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं कम करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा होता था। पहले हम लोग का हाथ कलम था, लिखते लिखते दुखा जाता था हाथ, अब थोड़ा कम कर रहे हैं। 7-8 करना पड़ता है। हाँ वही ना, पहले 10-12 होता था, 3-4 साल पहले हम लोग 14-14 को फिल्म में था। रविवार 1 साल जब शुरू हुआ तो उसमें 12 को था। तो अभी थोड़ा कम हो गया। अभी अच्छा है कि पब्लिक को भी स्टोरी भी चाहिए ना, केवल गाने से भी ज़्यादा तीखा भी उन लोगों को ज़्यादा हजम नहीं होता है। मालदारी गानों में जैसे भोजपुरी फिल्मों के गानों को लेकर के काफ़ी होती है, इसमें कितना चटनी अचार कितना मसाला मिलेगा? बराबर मिलेगा। अब ज़्यादा कम ना मिले सेंसरों बैठल पर काटे ज़्यादा अचार डाल दो लेनो अब पलाई बोटल आजकल का होगा। सेंसर में बिहार के एक आदमी बा, कोई मैडम है आरा की, प्रॉपर भोजपुरी उनका पता बा। जहाँ तनको लगता झर गई चाहे गोर गई तो धोल तारी फटाक दे तो सब चीज़ देख के। लेकिन देखिए फिल्म भी बहुत अच्छा है, फिल्म के गाने हम लोग अभी 3-4 साल से बहुत सुधार हुआ है, खुद हम लोग भी सुधर गए हैं। नहीं शुरू से थोड़ा फर्क देखिए, उम्र होता है बिगड़ने का, उम्र थोड़ा सा अभी अभी मैच्योरिटी आने के बाद थोड़ा सुधार आ रहा है, बाल बच्चेदार हो गए हैं। हाँ पहले कुमारे थे। तो थोड़ा सा बोले कि चलो, लेकिन अच्छा है। लेकिन एल्बम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फिल्म हम लोग का बहुत अच्छा है। एल्बम वाले थोड़ा सा बलगटी फैलाए, क्योंकि पत्थर उन्हीं के कारण चल रहा है। उनसे भी आग्रह भाई प्लीज, हमने का नाम बदनाम आप लोग मत कीजिए, आप लोग भी कुछ अच्छा अच्छा। एक लोग गलती कर रहे हैं उसमें सारे लोग हम लोग सन जा रहे हैं, बदनाम हो जा रहे हैं सारे लोग। और जितने नए लड़के हैं जो गाना गा रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि हम गंदा गाना गा लें और हॉट वीडियो दिखा लें, व्यूज अच्छा ही रहा है, स्टार बन गए। तो इससे हमारी भोजपुरी का मान सम्मान बहुत घट रहा है। तो आप सभी से निवेदन है कि स्टार बने के चक्कर में रुआ लोग इतना गंदा मत कर लोग, ताकि हमने के भी उन्हें नाम आ जाता है। तो आप लोग से निवेदन बा कि अच्छा गीत गाइए। अरे रास्ता ही लोग दिखाओ लो। रावत हम लोग का तो हम लोग जब भी गाते हैं मधुअर्ती गीत गाते हैं, लेकिन आजकल जो गीत आ रहे हैं एकदम एक अर्थी है, डायरेक्ट मतलब उसी का मीन्स निकल रहा है। हम लोग गाते थे तो लोग सोचते थे चलो ये नहीं तो वो है, लेकिन आजकल जो गाना आता है हम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत गंदा गंदा गाना होता है। यूट्यूब खोले में भी शर्म आता है कि कहीं माई बाबू के सामने यूट्यूब खोले तो ऐसा थंबली आ जाता है। तो रिक्वेस्ट बाई यूट्यूब वाला से भी कि आप भी अब सेंसर कॉपी मांगिए कि नहीं, हमको सेंसर कॉपी दोगे तो ही तुम्हारा गाना अपलोड करूँगा, नहीं तो कंपनी में स्थित रख दीजिए कि 20 गाना अपलोड हो गए। अब एक एक दिन में सही सही गाना आ जाता है, का लोग सुनवा का लोग देखे, तो गंदे गाने अब बंद होगा ही। नहीं वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, देखिए गाने पे हम लोग सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी शिकायत है आप लोग का, क्योंकि आप लोग उल्टा सीधा वो जो डालते हैं टाइटल, पब्लिक कन्फ्यूज होता है, बोलता रही बे मतलब गाड़ी देख के हम गाड़ी नहीं दे सक। आप लोग भी थोड़ा सा देखना पड़ता कुछ और रहता है। हाँ ये आप लोग दिखाते जैसे गाना है देखिए, एक पत्नी का ब्याह था, एक पत्नी का ब्याह था, जैसे होता है कि मस्ती में जैसा मैं जी शादीशुदा हूँ तो एक मस्ती होता है मियाँ बीवी में कि मस्ती में बोलता है काजी अब तो 3-4 महीना हो गया तरह से मन हमारे भरल करने लगता है, तरह से मन भर गया सोचता है 200 रुपए कर दी, तो बोलती अच्छा 4-5 साल बरोबर था, जब दोपहर करोगे तुमको उपाय लगा दे। वो तो मस्ती मजाक है, वो बलगटी को नहीं बोलते, में मस्ती मजाक वाले ही गाना हिट होते हैं। हाँ वो क्या है, बलगर नहीं हिट होते हैं। वो जो पीआर टीआरपी वाले हैं, मैं ट्रेंडिंग में चलते हैं, इसीलिए दूर कर कंट्रोवर्शियल पीआर हैं। अरे बाप रे, वो तो पूरा मतलब श्याम जी बात कर रहे हैं, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर साहब को तो बहुत अच्छे हैं, उनसे अभी मिला नहीं, अभी मिलूंगा कल, बात हुआ है नहीं है ना तो कल। और हमारे भाई साहब हैं बहुत अच्छे हैं, इनके साथ पहली फिल्म मैंने किया था लोहा पहलवान, तो गाना लिखा था उसमें, बहुत अच्छे इंसान बलम रंगबाज, बलम रंगबाज बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने बहुत मतलब 3-4 लोग मेरे फेवरेट उसमें से भी हैं, बहुत अच्छे इंसान है और अच्छा फिल्म बनाएंगे और सबको अच्छा लगेगा, पब्लिक को अच्छा लगेगा। मिराज जी फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस उन लोगों से यही कहेंगे कि फिल्म एक अच्छी बन रही है, आप लोग देखिए और देखिए। आई थे डायरेक्टर आपकी और कौन कौन सी फिल्में हैं? अभी तो हमारे नसीब आने वाली है 9mm पिस्टल है, बलम रंगबाज है, फिर हमारे ये दिल धक धक करे रंगबाज बाद दिल धक धक करवा रहे हैं।
सबसे पहले आप सब लोग जितना हमें देख रहे हैं सारे दर्शक बंधु लोग को मैं अरविंद अकलकल्लू बार बार प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधु लोग कि आप लोग हमारे मुहूर्त में आए और इस मुहूर्त का शोभा बढ़ाए। ये फिल्म है दिल धक धक करे जिसके डायरेक्टर है मिराज खान जी। बहुत ही अच्छा टाइटल है, भोजपुरी टाइटल है क्योंकि हमने भी फिल्में किया है जो जितने भी फिल्में की उसका हिंदी टाइटल रहता है लेकिन कुछ हमारे मिराज जी जब स्टोरी सुना रहे थे तो बोले कि ये टाइटल है। मैंने बोला कि कुछ अलग रखिए कुछ अच्छा रखिए तो बोला कि नहीं नहीं हम भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं भोजपुरी टाइटल रखेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हर लड़कियों को देख के लड़के यही बोलते हैं कि दिल धक धक करे तो ये आम एकदम हमारे दर्शकों का टाइटल है जो नौजवान युवा वर्ग के दर्शक हैं उनका ये टाइटल है। तो उम्मीद है कि जब ये फिल्म बनेगी और रिलीज होगी तो आप सबको पसंद आएगी। कल्लू जी आपका दिल शूटिंग के समय कैसा धक धक करेगा? अब तो ये अब फिल्म का शूटिंग हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे तो आप सबको अपना एक्सपीरियंस जाहिर करेंगे शेयर करेंगे कि कैसा धक धक किया। नहीं इनका कहने मतलब है किसके लिए धक धक करता है क्योंकि तनु जी हैं उनके साथ भी कई फिल्में आप कर चुके हैं और भी एक्टर के साथ कर चुके हैं किसके लिए आपका दिल धक धक करता है? देखिए अगर देखा जाए फिल्मों में तो जो हीरोइन रहती है उसके लिए धक धक करेगा जैसे इस फिल्म में तनु जी हैं तो इनके लिए धक धक करेगा और रही बात ऐसे तो ऐसे किसी के लिए नहीं धड़कता है क्लियर बात है ऐसे किसी ना ऑन स्क्रीन धड़कता है ऑफ स्क्रीन सिंपल लड़का है एकदम जलेबी की तरह सीधा है बिल्कुल नॉट एनी सीरियसली। कल्लो तनु जी तारीफ कर रहे हैं कि कुछ बता रही हैं आप समझ सकते हैं मेरे को लड़की हमेशा आपका दिल धड़कता है कौन है वो टिक ये क्या अच्छा अब हम उसका नाम नहीं लेना आप बता दीजिए। देखिए हम आर्टिस्ट हैं हम हीरो हैं पब्लिक हमें जब भी देखती है तो ये नहीं देखती है कि कल्लू का दिल ऑफ स्क्रीन किसके लिए धड़कता है नहीं धड़कता है वो मायने नहीं रखता। जब फिल्म पब्लिक पैसा लगा के थिएटर में जाती है तो उसको रियल फील आना चाहिए कि नहीं भाई ये हीरो हीरोइन के लिए परफॉर्म कर रहे तो धड़कता है कि नहीं उसे देख के हमारा दिल धड़कना चाहिए। नहीं इंडस्ट्री में काफ़ी हीरोइने हैं सिर्फ एक हीरोइन के साथ आपका वीडियो वायरल हो रहा है। भाई देखिए टिकटॉक हम बाद में जाने तो इसलिए उसके लिए धड़क रहा है अब तनु जी के लिए धड़केगा इस फिल्म में देखिएगा। और रही बात तो वो सब पे मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ अभी बंद होगा मेरा टिकटॉक यहाँ हाँ हमारे देखने से क्योंकि मेरे साथ हमेशा पिताजी रहता है जहाँ धड़कता है वहीं पर बोलते हैं स्टॉप। तो रही बात हम लोग पत्थर के सनम का शूटिंग कर रहे थे हाँ पत्थर के सनम तो वहाँ पे जब भी टाइम मिलता था तो देखिए हम भी लड़का हम भी नौजवान है हमारा भी दिल धड़कता है तो टाइम पास के लिए वो बना देते थे संजय भूषण पटियाला जी वो सब। श्याम देहाती जी का है कैसा म्यूजिक देंगे बताइए श्याम देहाती। देखिए श्याम देहाती हमको लगता है कि कंटिन्यू 3 साल हो गया इसके पहले हमारे एल्बम में बहुत सारे राइटर लिखते थे चाहे फिल्मों में भी इन कंटिन्यू 3 साल से हमारे साथ रेगुलर ये लिख रहे हैं तो वो जानते हैं कि हम क्या गाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में 3-4 राइटर हैं मैं सभी लोग अच्छे हैं लेकिन आज़ाद भैया हैं प्यारेलाल कवि जी हैं मनोज मतलबी जी हैं श्याम भैया हैं आर पंकज जी हैं सारे लोग अच्छा लिखते हैं लेकिन इसका म्यूजिक कर रहे हैं श्याम देहाती जी। तो हमारे साथ ये हमको लगता है कि दूसरा या तीसरा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म है एक स्वर किया तो उन्होंने एक धड़केला तो ना करे जाऊँ तो बहुत दिनों बाद ये फिल्म एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कर रहे हैं तो सारे लोग मिलके देखिए सब में एकता होता है तो हम जानते हैं कि सारे राइटर लोग मिलके और एक धमाका हमारे पब्लिक को देंगे। तनु जी आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म का महोत्सव को लेकर? सेम चीज़ है लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली आई एम प्लेइंग अ 3 शेड इन दिस फिल्म फर्स्ट इज स्पाई सेकेंड ड्रीम गर्ल और थर्ड धोखेबाज जिसके लिए इनका दिल धड़केगा वो बेसिकली बहुत ही धोखेबाज निकलेगी और हाँ फिल्म की स्टोरीज काफ़ी अच्छी हैं मेरा तो स्पाई कैरेक्टर है एंड आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कई फिल्में आप साथ में कल्लू जी के साथ कर चुके हैं तो अब तक कैसा ट्रेनिंग रहा है? बहुत अच्छा मैंने अभी जस्ट इनको यही स्टेटमेंट दिया कि एकदम जलेबी की तरह सीधे हैं बिल्कुल सेट पे बदमाशी नहीं करते बहुत ही प्यारे हैं बिल्कुल नॉटीनेस नहीं है बहुत ही अच्छे आप समझ सकते जलेबी गोल गोल होता है जी बिल्कुल वो गोल गोल की तरह ही सीधे जी। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या बहुत ही अच्छे है मिराज जी के साथ मैं पहली बार काम करने जा रही हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये सौभाग्य मेरा कि वो बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है उनके साथ काम करने जा रही हूँ दैट इज़ गुड फॉर मी। एंड जो हमारे प्रोड्यूसर जी है बीएम जी बहुत ही प्यारे हैं इनसे पहले मिल चुकी हूँ बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है। कल्लू जी अश्लीलता को लेकर बिहार में उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं
कुछ आर्टिस्टों के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, अश्लीलता अगर आपको हटाना है, रही बात भोजपुरी को तो ऐसे ही बदनाम कर दिए हैं, भोजपुरी में ऐसा अश्लीलता है नहीं, भोजपुरी जितनी मीठी भाषा है मैं दर्शकों से पूछना चाहूँगा वैसी कोई भाषा है। और एक बात और बताना चाहूँगा, हम लोग भी शो करते हैं, हमारा रिकॉर्ड है शो करने में, अभी थोड़ा कम कर दिए हैं क्योंकि फिल्मों की वजह से शो नहीं हो पाते हैं। पब्लिक जिसे प्यार करती है उसे पत्थर नहीं मारती है। और रही बात अश्लीलता की, तो अश्लीलता पत्थर मारने से हट सकते हैं, कोई भी चीज़ आराम से हटती है। जैसे इसका भी दो तीन कारण है कि अगर अश्लीलता हटाना है तो अच्छा गीत हम लोग गाते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं दूध का धुला हूँ, मैं अश्लील नहीं गाता हूँ या ये नहीं गाता हूँ, पब्लिक को मनोरंजन करने के लिए हम लोग भी कुछ गाते हैं। अगर आपको भी दाल भात ऐसे दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे, दाल भात में थोड़ा सा आप सब्जी ढूंढेंगे, तो वैसे हम लोग हल्का फुल्का मसालेदार गाना कुछ दिखा देते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है, मैं सारे लोगों से, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आता है वैसा गाना तो आप लोग उसे सुनिए नहीं। हम हो या पवन भैया हो या खेसारी जी हो या मनोज तिवारी जी हो, चाहे जितने भी आर्टिस्ट हैं, सारे लोग भजन भी गाते हैं। आप लोग भजन को कभी हाईलाइट नहीं किए कि उन्होंने ये भजन इतना अच्छा गाया, इन्होंने भोले बाबा का ये भजन। अगर हम लोग कुछ हल्का सा मटेरियल गा देते हैं मसालेदार, तो आप लोग उसमें लग जाते हैं कि नहीं ये अश्लीलता वो अश्लीलता। जितने भी हमारे मीडिया के बंधु हैं, सारे लोग से निवेदन है कि आप लोग भी जितने अश्लील बातें उठ रही है कि अश्लीलता के वजह से इनको, इसको हाईलाइट ना करें। जितने भजन सॉन्ग हैं, मैंने भी गाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गो हत्या बंद करो, दहेज के लिए गाया मैंने, वो सब गीतों को आप लोग हाईलाइट कीजिए। माँ के लिए मैंने बहुत सारा प्यारा सॉन्ग गाया, आप लोग उसे हाईलाइट कीजिए। और रही बात कि बिहार सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि आप इस पर कोई ना कोई सख्त कदम उठाएं, नहीं तो कलाकार, सही बात है कि आपने बोला कि सेफ नहीं है कलाकार। मैंने भी अभी सहरसा में शो किया, बहुत सारी पब्लिक थी, हमको भी ऐसा लग रहा था कि नहीं कहीं बीच में ऐसा कुछ ना हो जाए कि हमारे भी गाड़ी का शीशा फूट जाए, लेकिन दर्शक इतना प्यार करते हैं कि बहुत शांति से और बहुत प्यार से हम लोग आ गए। कुछ आयोजकों की भी गलती होती है कि वो बुला देते हैं बड़े स्टार, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्था नहीं करते। पुलिस प्रोटेक्शन ले लें, हम लोग तो अब जहाँ भी जा रहे हैं तो शुरू से बोलते हैं कि नहीं, अगर आप पुलिस परमिशन लिए हैं तो ही हम लोग आएंगे। अब जहाँ लाखों की भीड़ है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, जैसे हमारे शो में भी होता है, तो हम लोग उसको बाइकाट कर देते हैं, नहीं लाते हैं चर्चे में। चलो भाई होता ही है, जहाँ पे 10 लोग अच्छे हैं वहाँ पे एक तो लोग बुरे मिल जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अश्लीलता पत्थर फेंकने से ख़त्म नहीं होगी। आप लोग अच्छे गीत सुनिए, गंदे गीत जहाँ आते हैं आप लोग यूट्यूब पर रिपोर्ट कीजिए, उस पर गंदे गंदे कमेंट कीजिए, सुनिए नहीं। आप लोग उसे सुने नहीं तो लोग बनाएंगे नहीं। तो निवेदन बा आप लोगों से कि कलाकार की कोनो भी आप लोग क्षति ना पहुँचाए, लोग कलाकार आप लोग के भगवान मानेला तो भगवान आशीर्वाद देला, भगवान श्राप ना देवे। तो निवेदन बा कि आप लोग ऐसा हरकत कबू मत कर लो, भोजपुरी भाषा की इज्जत मान सम्मान बचा लो। आज भोजपुरी जौना हिसाब से आगे बढ़ रहा बा, डिजिटल लाइन में आप लोग देख रहे बनी कि जौन भी गाना आज रिलीज होता है आज बॉलीवुड को टक्कर दे रहा है हमारा भोजपुरी, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। तो सभी से निवेदन है कि भोजपुरी को आगे बढ़ाइए, भोजपुरी को जो चाहिए उसको मान सम्मान दीजिए। आप लोग ऐसे विरोध कीजिएगा तो हम लोग का क्या होगा। कल जो कुछ एकाक अंतरा गुनगुनाए आज के अवसर पे, आज मेरा एक गाना रिलीज आया हुआ है, आज एक मेरा गाना रिलीज हुआ है वेब कंपनी से आवारा बुलम कहीं, और मुझे बहुत पसंद आता है तनु जी के लिए मैंने गाया था। जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जान, जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान, साथ ना छूटी नेह ना टूटी, जबले रही देह में परान है, जाए न दे अब ये जान, तू ही बड़ू दुनिया जहान। अब बताइए इसमें कहाँ असली है। बहुत बढ़िया।